कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा। रात्रि काफी बीत चुकी है, फिर भी सत्संग के कुछ सूत्र जो जीवन में आह्लाद, आनंद, प्रेम और शांति को उपलब्ध होने के लिए आवश्यक हैं, उन पर विचार करते हैं। जीवन में सबसे प्रमुखता से चाहत प्रेम की भूख हर मनुष्य के भीतर है, पशु के भीतर भी है, पौधों के भीतर भी है। अगर चेतना को अनुभव कर सकें तो जिन्हें जड़ पदार्थ कहते हो उनके भीतर भी है। पर आदमी भूखा क्यों है? जब वह प्रेम स्वरूप ईश्वर का ही अंश है तो प्रेम तो उसमें भरा होना चाहिए। जिस चीज से जो धनी होता है उसके विषय में वो ज्यादा नहीं सोचता, अभाव होता है उसके लिए सोचता है। तो जो मौलिक बात है वो ये है कि हम जिसके मालिक हैं उसको हमने गंवाया है और अब किसी अन्य व्यक्ति से, वस्तु से, पपी डॉगी से, किसी पपेट से ढूंढ रहे हैं प्यार मिले। फिर गालिब जैसे लोग आए जिन्होंने ये घोषणा की कि मनुष्यों के बीच अब प्रेम कहाँ रहा, सब बेवफा हो गए। तो वफा तो कुत्तों में ही बची है, उन्हीं से दिल लगाओ। तो दिल जले लोग कहते हैं आदमी माने ही धोखेबाज। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। कुत्ते गधे बन के तब मनुष्य बनाया है परमात्मा ने। सब भोग के आ चुके हैं रो रो के,
और अब श्रेष्ठ योनि में आने के बाद हमने ये घोषणा कर दिया कि मनुष्य से प्रेम नहीं किया जा सकता, करना है तो कुत्ते बिल्लियों से कर लो। सब लगे पड़े हैं उसी में। हम भी कभी कभी ऐसे मोबाइल में रील ऐसे उठता है ना, रील तो 40 अगर रील पलट दिया एक मिनट के भीतर तो 35 कुत्तों को मिलते हैं। अब पता नहीं हम ज़्यादा वो कुत्ते वाले आ जाते हैं तो फिर वही आ जाता होगा, तो हमने देखना ही बंद कर दिया। कमाल है यार, छोटा छोटा पप्पी ऐसे पूई ऊ ऐसे चलता रहता है। खोया है आदमी उसी में। और बड़े बड़े लोग, कुछ व्यक्ति आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मुझे पैसों की भूख नहीं है, मैं प्रेम का भूखा हूं। तो हो तो दरिद्र ही, रोटी के भूखे रहो चाहे भात के, हो तो एक नंबर के दरिद्र, भूखे क्यों हो जब उसके अंश हो और वो प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम ही अवतार लेकर उनके रूप में आता है, तो तुम भूखे क्यों हो? जो डिपॉजिट मिला था उसको कहां कमाए? युधिष्ठिर की तरह जुआ खेल गए, क्या कर गए? और ये एथिक्स में बड़ा बहुत बड़ा माना जाता है ऐसे लोगों को। अपन क्या अपने में, मेरा माइंड मनी माइंडेड नहीं है, मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, मेरे को बस प्रेम का भूख है, प्रेम का भूख है, इतना बड़ा दुख है। काहे दरिद्र बने हो? बनारस में दरिद्र ही कहते हैं ना, दरिद्र। हाँ, काहे दरिद्र बने हो? काहे यहां वहां प्रेम ढूंढ रहे हो? उसके लिए तो गाया जाता है तू प्यार का सागर है, उसी सागर के तुम अंश हो, तो ये प्रेम कहां रख दिए? लॉकर में बंद करके भूल गए क्या? कहां गया प्रेम? बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, सिनेमा का डायलॉग, कह किरण हमको किसी चीज की भूख नहीं है, बस प्रेम चाहिए हमको। प्रेम बांटने के लिए आए हो तुम प्रेम से लबालब भरे हुए हो। बस प्रतीति नहीं हो पा रही है तुम्हारे और दर्पण के बीच, या तो आंखों पे मोतिया बिंद के जाले छा गए हैं या फिर दर्पण पर ही धूल लग गई है। एक ने कहा महाराज जी हमारा दोनों हो गया है, कैसे होगा? दर्पणों पर धूल लगा है और मोतिया बिंद भी। हमें तेरे लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो या तो दर्पण साफ करो और या अपने मोतिया बिंद का चिकित्सा कराओ। कहाँ होगा गुरुजी? गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ो, वो गुरु पद किसी को याद है क्या? कोई है यहाँ रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ने वाला? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु पद नख अंजन, ऐसी कोई बात कह रहे हैं कहीं पर, ढूंढ लेना। गुरु का चरण अंजन है, पदरज क्या है? अंजन है। हाँ, काजल। आंखों में अगर कोई खराबी आ गई हो तो गुरु के चरण रज से जब अपने आंखों को काजल की तरह अभिषिक्त करते हैं तो धीरे धीरे ज्योति बढ़ती है। गोस्वामी जी हैं बड़े पक्के।
केवल अगर फॉर्मल तरीके से उनके पांव को छू कर ही केवल आंख में लगा के इतिश्री कर ले, ये न करो ये भी ठीक बात नहीं है, जरूर प्रणाम करो उनको, पर इतने पे ही रुक जाओ तब भी ठीक नहीं है। चरण अर्थात आचरण, गुरु के चरण को स्पर्श करना अर्थात उनके आचरण को स्पर्श करना, छूना, काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य इन सबको वो नियंत्रित करके कैसे समाप्त नहीं कर सकते, कोई दुनिया में समाप्त होता तो नारद जी का समाप्त हो जाता, फिर गाय भाग रहे थे वीणा रख करके विवाह करने के लिए, इतने बड़े ऋषि थे। तो समाप्त नहीं हो सकता, कितनी माताएं बड़ी इतनी भोली भाली माताएं हैं बच्चा लेके चले आती हैं चाहे पति को, महाराज जी इनका क्रोध समाप्त करा दीजिए, अरे भगवान क्रोध समाप्त करा दीजिए, इस पृथ्वी पर आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब से सृष्टि बनी है कि उसका क्रोध समाप्त हो जाए, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य ये जीवन के साथ ही आए हैं और जीवन के साथ ही जाएंगे, और कितने भोले भाले लोग हैं, महाराज जी बड़े क्रोधी हैं इनको तो नहीं कुछ ऐसा कर दीजिए कि इनका क्रोधवा खत्म हो जाए, अच्छा क्रोधवा खत्म हो जाए, नहीं हो सकता, मात्रा नियंत्रित की जा सकती है। कितना गुड़ खाना है, आलू कितना खाना है, भाजी कितनी खानी है, क्रीम कितना लगाना है मुंह में, इतना न पोत लें कि बाद में पोतने के बाद भी कुछ ना हो, पूतना नजर आए, फिर पोतते पोतते फिर एक दिन पूतना होना ही पड़ेगा ना, स्किन खराब होगा, चमड़े खराब होंगे, तो कितना पोतना है, बोला उतना ही पोतना है जिसमें इसकी चमक बरकरार रहे, ठीक ठाक रहे, सनस्क्रीन लगाना है, तो मात्रा तय करनी होगी इनकी, ये छोड़ने उड़ने का झंझट छोड़ो, ये सब पागल बना रहे हैं तुमको, जो भी ये कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, आपका भाव ठीक नहीं है, है आप इधर देखते हैं आपके भीतर कामना है, अभी बिना कामना के तो पैदा हो गया, माता पिता के भीतर कामना उत्पन्न हुई होगी तब वीर्य और रस से तुम्हारा यह शरीर बना है, और तुम कामना से मुक्त होना चाहते हो, मैथुनी सृष्टि है ये जगत की, इस दुनिया में कोई समाप्त नहीं कर सकता इसे, पर हम इसी में परेशान हैं, कुछ क्रोध कम करने में, कुछ कह रहे हैं हम काम को खत्म कर दें, हम लोभ को खत्म कर देंगे, इसमें से कुछ भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी, तुम जरूर खत्म हो जाओगे, तो गुरुजी फिर क्या करें, विषय बदलो, या तो विषय बदल दो इनके, और इस जगत को ही जीना चाहते हो तो फिर इनकी मात्रा नियंत्रित कर दो, कितना मिलीलीटर लेना है दूध, इस दवाई में कितना शहद चाहिए, वो गनिया ये दवाई शहद के साथ खा लेना, 2 किलो शहद पी गया और दवाई खा लिया मर गया, अरे आधे चम्मच शहद के साथ खाना था, शहद नाम लिया तो पूरा ही शहद पी गया, अरे शहद तो हमको अलाउ हो गया, आप क्या मात्रा अनुपान, आयुर्वेद में बड़ी प्यारी चीज है, मात्रा कितनी है अनुपान क्या है, मलाई के साथ लेना है दूध के साथ लेना है शहद के साथ लेना है, वो जरूरी है, उसका सहयोगी कौन सा है, तो क्रोध लोभ मोह कामना वासना तृष्णा ऐष्णा कुछ नहीं मिटने वाली है, इन्हें समर्पित किया जा सकता है किन्हीं श्रेष्ठ चरणों में, बहुत अच्छी जगह पर,
और या फिर उन श्रेष्ठ महापुरुष से मिलकर इन्हें नियंत्रित करने के उपाय सीखने होंगे। महाराज जी, डॉक्टर साहब, बीपी हमारा 240 पर भाग रहा है, तो रुको बताते हैं, कुछ नियंत्रित करो। तो नियंत्रण के उपाय सीखते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा बीपी 240 पर है, जीरो कर दीजिए। अरे जीरो कर तो मर नहीं जाओगे, बीपी भी कितना रहना है, 80 से 120। हाँ, कोई कहे नहीं बीपी बहुत खराब चीज है, बीपी नाम लो, क्या करें बीपी भी है। अरे बीपी तो सबके भीतर है, तुम्हारे भीतर क्या स्पेशल है क्या? बीपी बीपी भी बीडीपी बीपी कितना है, 80 से कम है तब भी झंझट है, 80 से ज्यादा है तब भी झंझट है। मात्रा अगर नियंत्रित कर ली गई तो आदमी स्वस्थ है, मस्त है। मतलब क्या है, 80/120, एकदम मेरे शरीर में देखिए एकदम आनंद में। और एक बोला हमारा 60 है, कैसा लगता है? बस दिन भर लगता है कि झूमते रहते हैं। आपका बोला 180, बोला फिर, बोला कुछ भी देख के मन करता है फाड़ दूं चीर दूं अभी खत्म कर दूं, दोनों ही खतरनाक है। पर 80/120 इज द बेस्ट, ठीक है जीने के लिए, सुंदर है ये। शुगर लेवल कितना चाहिए तय है। अरे आप लोग तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि हम कोई नई बात बना रहे हैं। हर 3 महीने में जांच का इतना बड़ा बड़ा तुम्हारे घर भरा होगा जांचों से, तुम्हारा ब्लड से जब देखो तब इतना जांच, उतना मोटा किताब नहीं पढ़े होंगे जितना जांच का किताब होगा लोगों का आजकल। हर जांच, हर बार, हर चीज, स्नोफिल बढ़ गई तो भी मुश्किल। क्या हुआ बड़े, स्नोफिल बढ़ गया है, घट गया तो सांस में बड़ी दिक्कत हो रही है। वो भी चाहिए मात्रा में। आपका हीमोग्लोबिन कितना है? बोला 34। बोला कितने दिन जियोगे? बोला शाम को मरने वाले। आपका हीमोग्लोबिन? बोला 1। बोला कहाँ भाई, भाई को कहाँ भेजे हैं? बोला वही बांस लाने के लिए, जल्दी काट उट के तैयार करिए, अब तो जाने ही वाले हैं 10 मिनट में। हाँ बोले भैया 12 से 14, 16, 18 के बीच में है, थोड़ा स्त्री का अलग पुरुष का अलग, तो मैं क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल, बहुत अच्छा हूँ। ऐसे ही कामना खराब नहीं है, वासना भी खराब नहीं है। माई डियर, लिसन मी केयरफुली, वासना भी खराब नहीं है, सृष्टि ही वासनात्मक है। वासना शब्द भी कितना प्यारा है मिश्रा जी, वासना, यहां वास नहीं करना, किस जगह पर वास नहीं करना है, वासना। तो आजकल के तो मैकोले वाले ने कहा कि नो नो गुरुजी, वासना मीन्स मतलब वास नहीं करना है, न ये वास करना है न माउथ वास करना है, हम के बागे कुछ मत बोल देना, इतनी काफी हो गया। वासना, वास नहीं करना कुछ भी, डिशवास भी नहीं करना खा पी के। तो वासना की भी मात्रा है और किसके प्रति है। इसलिए कभी भी दुखी मत हुआ करो, ग्लानी मत करिए कभी करो अपने जीवन पर। ज्यादातर लोग ग्लानी में जी रहे हैं, उनको लग रहा है इस दुनिया में सबसे बड़े पापी हम ही हैं, बड़ा क्रोध करते हैं, बड़ी लोभ करते हैं, मेरे को बहुत मोह है, बड़ा बहुत डाह होता है मुझे लोगों से, ईर्ष्या होती है। तुम्ही को नहीं होता, तुम जिससे करते हो उसको भी होता है, बस वो छुपाए हुए है, क्योंकि इट्स नेचुरल, परमात्मा ने दिया है ये। सहजो कहती है अपने गुरु चरणदास के लिए, हरि ने 5 चोर दिए साखा, तो भगवान ने दिया है हमारे साथ, हम क्या करें। तो गुरु ने छुड़ायो मोही जान अनाथा,
गुरु ने अनाथ जान करके मुझे नियंत्रित करना सिखा दिया। छुड़ाने का मतलब ये है, जैसे कबीर कहते हैं कि हरि कृपा तब जानिए जब दीन है मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे संसार। हे भगवान, संसार में रहने के लिए इतने हॉस्पिटल, इतनी दवाइयाँ, और वो कह रहा संसार ही छुड़ा देंगे। संसार छोड़ना है क्या गुरुजी? अभी नहीं, क्या फालतू बात करते। सत्संग आए हैं कि दो चार साल उम्र बढ़ जाए और आप छुड़वाने के चक्कर में हो। पर कबीर तो कह रहे हैं हरि कृपा तब जानिए जब दीन है मनुज अवतार, पर गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे संसार। और सीधा सीधा गुरु चेला हो जाए, गुरु जी भी कहेंगे देखो भाई इसमें लिखा है छुड़ा देवे संसार, अभी इधर आओ, पटक के गर्दन दबा दें कि तुमको संसार छुड़ा ही देते। हाँ भाई लिखा है, हम क्या कबीर लिखे हैं? वो कबीर पे FIR हो जाएगी, कबीर पे FIR हो जाएगी कि भाई, लेकिन अब तो पकड़े नहीं जाएंगे। खैर अगर रहते तो निश्चित तौर पर आज की जो कानून व्यवस्था है, और अगर कोई संसार छुड़ा देता किसी को और कहता कि मैंने कबीर को पढ़ के किया है, तो कबीर के ऊपर मुकदमा होता, कोई रोक नहीं सकता। अरे बिहार में एक आदमी ने अभी मुकदमा किया 2 साल पहले, किसके ऊपर पता है? राम जी के ऊपर। कैसे सीता जी को छोड़ दिए वकील ने, पढ़ा लिखा LLB। मान लो कोई अनपढ़ आदमी को बोले तो कितना मुश्किल से LLB LLM क्या क्या करके, अब बड़ा मुकदमा 500 पन्ने का मुकदमा ठोका है, और मैं सुन रहा हूं अभी तक चल रहा है वो मुकदमा। कमाल न्याय पद्धति है हमारे पास में। राम जी पर मुकदमा किया, और तो कब फैसला आता है देखिए। राम जी को भी इंतजार होगा कि कौन डेट पड़ा अगला, पता नहीं कौन गवाही दे देगा, क्या हो जाएगा। कमाल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं ये, इन्हीं को लोग एजुकेटेड कहते हैं, दे आर एजुकेटेड पर्सन। इज इट एजुकेशन? इसमें कहां विद्या है, इसमें कहां शिक्षा है? वैसे ही ये जितनी भी वृत्तियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस, देर आर 6 कॉम्प्लेक्सेस, इनको नियंत्रित करना गुरु सिखाते हैं, शास्त्र सिखाता है, धर्म सिखाता है, मर्यादा सिखाता है। धर्म का इतना ही काम है, वो समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में कुछ गलतियां हो तो ग्लानी मत करना। ग्लानी करते 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 आदमी ग्लानी प्रूफ हो जाता है, और उसी को मैं पुराना पापी कहता हूं। मैं जो पुराने पापी कहता हूं ना, उनको ही कहता हूं। वो गलती भी करते, फिर ग्लानी करते, फिर गलती करते, फिर वही ग्लानी करते, फिर वही गलती करते, फिर वही ग्लानी करते, फिर वही गलती, फिर ग्लानी, तब वो हो जाता है पुराना पापी, ग्लानी प्रूफ। अब वो समझ लिया है कि गलती हुई, ग्लानी कर लो, पाप क्षमा हो गया। हम तो इतने दुखी थे गलती करने के बाद। एक भाई साहब ने आज केस मुकदमा चल रहा था, आज गाड़ी में जाते जाते, पहले तो बहुत बरगलाए इधर उधर, 3-5 कपिल सिब्बल, ओ क्या नाम उनका, अब नहीं, राम जेठमलानी जैसे खूब जितना जिरह कर सकते थे, खूब फुसलाया बहलाया इधर उधर टहलाया। उनको पता नहीं था कि LLM पढ़ करके LLM को जनक यहाँ बैठा हुआ है गाड़ी में, उनको ये जानकारी नहीं थी। अब खूब टहला रहे हैं लोगों को, अंत में तो चारों हाथ और पांचों पैर कि हमको बस क्षमा कर दिया जाए। सब आदमी से बारी बारी से क्षमा मांग रहे हैं, बड़ा भारी भूल हो गया। पहले तो एकदम इस बारे में आप फलाने से बात कर लीजिए, अरे बाप साहब के पास समय नहीं है, PS से बात करिए। कैसे लोग हैं दुनिया में, कहां कहां से इतने तेजस्वी लोग आते कहां से? ये तेजस्वी लोगों का आगमन कहां से होता है, ऐसे लोगों का? पर वही LLM, ग्लानी प्रूफ, गलती किया, गलती मान लिया, हो गया और क्या। 1 घंटे बाद फिर करेंगे, फिर मान लेंगे और क्या। 2 घंटे बाद फिर करेंगे, फिर मानेंगे। कल फिर करेंगे, फिर मानेंगे। परसों फिर करेंगे, फिर मानेंगे। 1 साल बाद फिर करेंगे, फिर मानेंगे। मारो इसको पकड़ के, ऐसे आदमी को पीटो, ये ठीक नहीं होगा।
ये ग्लानी प्रूफ लोग हैं। इसलिए बेटा गलतियां हो, चिंतन बस एक बार करना, ये मात्रा थोड़ा ज्यादा हो गया यार, ये ठीक नहीं लगता है, इतना बीपी ठीक नहीं है यार, किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, थोड़ा नियंत्रित करो, इतना शुगर ठीक नहीं है। तो जस्ट अगर कोई कामना ज्यादा समझ में आ गई जिसके कारण तकलीफ हो गया, कोई वासना आ गई, कोई तृष्णा आ गई, कोई ऐष्णा आ गई, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, कुछ भी आ गया, किसी के प्रति ईर्ष्या आ गई, इट्स नॉर्मल, इसमें बहुत ग्लानी करने की जरूरत नहीं है, विवेकशील चिंतन होना चाहिए। यार देखो आज ये बीपी बढ़ा तो मामला ठीक नहीं है, आज ये क्रोध के कारण ये झंझट हुआ, ऐसे नहीं कि क्रोध कर लिए पहले आधा घंटा क्रोध कर लिए, अब क्रोध करने के बाद फिर चार घंटा कमरे में सोए हुए हैं, किस लिए, कोई कह रहा है वो काम अब हमसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बुरा हूं, अरे तो बुरे तो हो ही, तो अच्छे बनो ना, चार घंटे और बर्बाद कर रहे हो कमरे में सो करके, मैं कह रहा हूं ना मेरे पास कोई मत आओ, मैं बहुत बुरा हूं, हाँ मैं भी जानता हूं तुम बुरे हो, तो ठीक कैसे हो गए, मेरे पास कोई डॉक्टर कोई दवाई मत आओ, मैं बहुत बीमार हूं, तो क्या स्वस्थ आदमी के पास डॉक्टर और दवाई आएगी, तुम बीमार हो इसीलिए डॉक्टर आएगा, तुम बीमार हो इसीलिए तुम्हें मेडिकेटेड किया जाएगा, तुम्हें दवाइयां दी जाएंगी। तो एक तो पहले गलती करता है, फिर 5-7 घंटा, पति पत्नी जो लोग होंगे तो खूब समझते होंगे सब, तो हमको क्या समझाना है, ये सब तो खूब समझते होंगे, पहले 1 घंटा गलती करे और उसके बाद फिर उस गलती के लिए मेरे को मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, मैं जीने के योग्य नहीं हूं, आपके लायक नहीं हूं, अरे बस करमाई, अब हो गया 1 घंटा उधर चाट गई, खत्म कर गई, अब 6 घंटा इधर खत्म करेगी, 24 घंटे के जीवन होते हैं, इसमें 7-10 घंटा ऐसे मिटाएगी, समाप्त करेगी, 86,400 श्वासें आती जाती हैं अगर काउंट किया जाए तो। मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और 10 रुपया उसमें से गिर गया, तो क्या 99,000 और कितना बचा, 990 रुपए, बहुत हिसाब तगड़ा है आप लोगों का, होना भी चाहिए, एक तगड़ा ना हो पब्लिक का, ये वाला ये तो पूरे कैलकुलेटर है ये मामला यहां पर, इसमें इसमें कौन पीछे, 99,990 रुपए, क्या उस 10 रुपए के लिए इतना शोक करोगे और उसके पीछे अपना ये सारा बर्बाद कर दोगे कि नहीं अब उसको हम पाके रहेंगे भले हमको ये पूरा लुटाना पड़ जाए, ऐसा करते हैं आप, नहीं करते। नाउ आई एम आस्किंग, अगर जीवन के 10 सेकेंड 20 सेकेंड किसी ने आपसे बुरी बात कह दी, आपको गाली दे दिया, क्रोध कर लिया, तो बाकी के 86,000 जो 400 श्वासें मिली थी, 20 श्वास में किसी ने गाली दिया आपको, तो 86,380 श्वासें उसके पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हो, यू हैव स्टिल 86,380 ब्रीथ्स, अभी भी आपके पास इतनी श्वासें हैं 24 घंटे में, आप इससे कितना आनंदित हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, जी सकते हैं, लोगों को जिला सकते हैं, पर वो 10 से 20 श्वासों के बीच किया गया किसी के द्वारा वो घटना, और बाकी श्वास आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, जो श्वास अरबों रुपए में नहीं खरीदी जा सकती, आए जितने बड़े वेंटिलेटर पर रहो, वेंटिलेटर पर तो इसलिए आजकल रखते हैं 10-15 दिन की बिल बन जाए, बाबूजी गए पर इधर बिल बन रहा है रोज, 3 दिन के बाद निकाला कि आज इनका 5:33 पर श्वास बंद हुआ, वो डॉक्टर को ही पता है कि मंगलवार को ही बंद हो गया, शुक्रवार को छोड़ा, 3 दिन में खूब माल लाओ इधर खींच लिया वेंटिलेटर। तो जीवन में कुछ घटनाएं हो जाएं, डिलीट डिलीट करिए, बची जो है
आगे की सुधिर ले, बीती ताही बिशारी दे, आगे की सुधिर ले। पर आप देखो, आप ही में से चिंतन करो कि आप कैसे सड़े हुए लोग हो। माफ करिएगा, नहीं भी करिएगा तो क्या बिगाड़ लीजिएगा मेरा, क्षमा करिए। हम कितने सड़े हुए लोग हैं। अब अपने आप को भी जोड़ता हूं, क्या करूं। हम अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। और मैं हेट करता हूं ऐसे लोगों से। आपको कहूंगा गुरुजी आपके भीतर तो घृणा नहीं होगी, केवल प्रेम होगा। और ये बहुत मात्रा में घृणा है मेरे भीतर। आई हेट दोस पीपल्स, ऐसे व्यक्ति जो केवल पास्ट में जी रहे हैं। उनको एक एक चीज याद है, इसने क्या किया। उनका हर एक्शन ऑटोमेटेड है, वो वही उसी तरीके से हो रहा है। वो कितना भी अच्छा काम करने आ रहा है, पर यहां पर वो चुभा हुआ है नस्तर। वो उसके प्रति कभी भी श्रेष्ठ आचरण नहीं कर सकते। आपने देखा है जीवन में ऐसे लोगों को। अपना वाला भले ना दिखाई पड़ता हो, लोगों वाला दिखाई पड़ता होगा ना। अपना नहीं दिखाई पड़ता, अपने लिए तो हम लोग अंधे हैं। पर लोगों का दिखाई पड़ता होगा ना कि अरे यार हो गया ना, बस हो गया। तुम उसी को एक साल से गाए जा रहे हो तो बंद तो करो अब। पर उस आदमी का व्यवहार अब भीतर में वो जहर उसने पाल लिया है। अरे जहर खा लिया तो हमने तो सुना है, ये डॉक्टर डॉक्टर बैठे हैं कि नहीं पता नहीं, बाहर हो गए। जहर वहर खा के आदमी आ जाए तो पाइप डाल डाल के मुंह से निकलवा लेते, फिर एक तो पाइप और जहर खाएगा, तब जाके बचते बचाते हैं। ये तो जहर खाने वाले को मैंने देखा है। हम भी एक बार हॉस्पिटल में थी, बहुत भर्ती 2001 में, 90 में, नहीं यार 99 में, तो जहर का केस आया। वो हम देखे, हम कि हे भगवान, मैं जहर पर ही प्रवचन करूंगा कि सब करना, जहर मत खाना। जहर खा के जितनी तकलीफ है, निकालने में डॉक्टर लोग उसको कहते हैं कि अब निकाल जहर। तो जहर खा लिया, वो जहर भीतर रखा है। अरे कालकूट बीज तो जिस नगरी में आप रहते हैं भगवान भोलेनाथ, उन्होंने भी पिया है। पर कमाल है, एक दिन और मैंने कहा था कि जिसने विष पिया वो गोरा, और जो मक्खन मलाई खा रहे हैं हमारे वाले वृंदावन वाले, वो सांवले। कमाल है, हमने तो सुना दूध से गोरे होते हैं लोग, दूध मलाई और खाते, आजकल खाते पीते कम हैं लोग, लगाते ज़्यादा। हाँ, मलाई बचपन में खाते थे हमारे यहाँ दादाजी के यहाँ, देखते लोग खाते थे। अभी कहीं से जा करके जर्सी गाय और भैंस का मलाई ला के मुँह में लगा रहे, मुंह चिकना लगे। कितना दिन लगेगा भैया, भीतर सुखाड़ी है, अंदर से सफा चट, बाहर चकाचक, कब तक टिकेगी ये? बिना जड़ के पौधा कब तक टिकेगा? दीमक लगा हुआ, खूब धो लीजिए, पेंट करवा लीजिए आम के पेड़ में, अब पत्ते में पेंट करवा लीजिए, कह देखिए हमारा पेड़ कैसा है, कब तक टिकेगा वो? जड़ तो खराब हो चुका। तो हम जड़ पे, धर्म जड़ पे काम करता है। और ये जितनी टीचिंग्स हैं, ये जो तुम्हारी शिक्षाएं हैं, ये जो नैतिक शिक्षा लोग देते घूम रहे हैं, बेटा ऐसे क्रोध नहीं करते, चोरी करना पाप है, वही तुम्हारा बाप है, नदी किनारे सांप है, बचपन में स्कूल में सब होता था, छोटे छोटे थे, नदी किनारे सांप है, चोरी करना पाप है, वही तुम्हारा बाप है, इसी पर लड़ाई होती थी स्कूलों में बच्चों के बीच में। तो आपको वो पाप है, ये है, वो कहने से क्या मानेगा? आपने रूट पर काम किया है क्या? जड़ पे, जड़ में दीमक लगी है आपके बेटे बेटियों के, आपके पीढ़ियों के जड़ में दीमक लगी है, असभ्यता का, कुसंस्कार का, अशिक्षा का, अविद्या का, अज्ञानता का। और आप ऊपर से डेंट पेंट चमका रहे हो, खूब सजा करके ला करके दिखा करके, ये मैं फलाने हैं, MBBS कर लिए हैं, BBBS उसके बाद ही करने वाले हैं, उस बात करने में। और कोई बाबा जी घर में आ जाए तो हाथों देख करके, क्या खबर है, ये जो बेटा है डॉक्टर है, नहीं बात नहीं सुनता है, धीरे से
कुछ ऐसा बताइए महाराज की बतवा सुनने लगे। और बता तो ऐसे रहे अभी तरह हालत खराब है, कुछ सुनता उनता नहीं है, कुछ मानता नहीं है। तो शायद आप ही लोगों के लिए नमक हलाल पिक्चर में वो अमिताभ बच्चन गाया होगा या किशोर कुमार हो, कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, शपथ बजरंग बली की शक्ल से बिल्कुल चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद, अपराध की उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तिजोरी, अलमारी भी तो है, बक्सा भी तो वही है, तनी जान बक्सा भाई सब कुछ बोला था हुआ। लॉकर इंग्लिश हो गया, तिजोरी का हिंदी है बंदूक संदूक, अच्छा हाँ संदूक संदूक ठीक ठीक तो नहीं होगा, बॉक्स का संदूक होगा, बट अलमीरा हिंदी शब्द है, हिंदी बताइए ना, हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदी बताइए। वो भी बहुत सजा के आप बोल रहे हैं, सारा पूर्वांचल अलमारी बोल रहा है, अलमारिया के लिया वा अलमीरा, बड़ा कॉमन नाम है अल मीरा, अल उधर मीरा इधर अल मीरा। तो जो भी हो सारे सुख चैन बंद, अपराध की जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक तिजोरी में, हम भी ढूंढते हैं हिंदी क्या होता है। ये आवाज घड़े की तरह है, मैं बोल रहा हूं पहले बहुत ठीक, जब शुरू में आया था तो एकदम ठीक था, जैसे उसको बनाने लगे तो बिगड़ गए, जैसे आप लोग अपने बच्चों को बनाने में एकदम बिगाड़ दे रहे हो। तो बच्चों के जड़ पर काम करो, और मेरे प्यारे भाई बहन आपको लगता होगा कि एक विश्वविद्यालय बना करके आदमी क्या कर लेगा, सनातन विश्वविद्यालय, ये किसी व्यक्ति के चार दशकों की साधना का प्रतिफल है। कोई अचानक सपना नहीं आया कि चलो एक स्कूल बनवा देते हैं, क्या जी आप धर्मशाला, वो रात में सपना आया तो ऐसा भगवान बोले कि जाए तो धर्मशाला बनवा दे, तो वही शाला से उधार लेकर के धर्मशाला बनवा रहे हैं, ऐसा कोई सपना नहीं आया। बल्कि इस देश की स्थिति, अपने बच्चों की स्थिति देखकर, और माता पिता कितने दुखी हैं उनसे, अपनी इस पीढ़ी से, और बच्चे कितना दुखी हैं माता पिता से, ये जो गैप है बीच में, इस पर रिसर्च किया, ये कैसे खत्म होगा। क्या अपने बच्चों को ले जाकर के गर्दन पकड़ के जबरदस्ती तीन बार ऐसे करवाने से हो जाएगा। सबसे भद्दा काम अगर इस दुनिया में कोई है तो कोई माँ बाप या माँ अपने बच्चे को ला करके और जब गुरुजी के चरण में प्रणाम कर जबरदस्ती, क्या मिलेगा इससे। वो जिनको वो साधारण आदमी भी समझ गया होगा कि सैंपल किसका है, ये आदत तो उसको घर में लगानी थी, तुम्हारे गर्भ से पैदा लिया है, तुमने ही पैदा किया है, तुम्हारा दूध पी करके बड़ा हुआ है, वो तो बचपन से जैसा सिखाते तोते की तरह तोता बन जाता वो, पर वो नहीं सिखा रहे, अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है, ये ना कौन है बुआ बोलो बुआ, तब तक मौसी आ गई, बेटा बोलो मासी, ये क्या बोलेगा ये सब करके, मासी और बुआ ये क्या करेंगी, ये संस्कार देंगे, बुआ के अपने बेटे का हाल पूछो। और कमाल है, बुआ जब आती है तब मां कहती है एकदम बदमाश हो गया है, तुम ही थोड़ा समझाओ तू, और बुआ अंदर अंदर हंस रही है कि हमारे वाला का तो खुदे हालत खराब है, हम तुमसे समझवाने आए थे, अपने को नहीं समझा पाए दूसरे से समझवा रहे हो,
इससे तो बढ़िया होता है तुम तुम्हारे वाले को समझा लेते, वो उसके वाले को समझा लेता, क्योंकि वो तुम्हारे अंडर में छोटे से बच्चे हैं, तुमने समझा लिया होता, तुमने संस्कार दे दिए होते। ये कहां गली गली दुकान दुकान चौराहे चौराहे रिश्तेदार रिश्तेदार इस दर उस दर पर समझवाते चल रहे हो, इनको समझा दीजिए, इनको समझा दीजिए। महाराज जी इनको समझा दीजिए, बहुत क्रोध करते हैं ये। महाराज जी तो लग रहा है ऐसा मशीन लेके आए हैं कि आलू डालो और सोना निकलेगा, ऐसे डालेंगे और संस्कारी होके निकल जाएगा। आओ इधर से, ऐसे घूम करके जो इधर जाएगा संस्कारी हो जाएगा। 1000 रुपया लाओ बच्चे, लाओ इसमें से जो ऐसे निकल जाएगा संस्कारी हो जाएगा। जमा करो चौबे जी के पास सब 5001 में, ये करवाइए रजिस्ट्रेशन। ऐसी कोई विधा है? पागल हो? एक चेतना संपन्न मनुष्य होकर और इस प्रकार की बातें करना, वो सारी चीजें तुम्हारे हाथों में है। बोला जब हमारे हाथों में है तो कल से सत्संग वत्संग नहीं सुनेंगे, फालतू आपका बैठ के सुनोगे तभी तो समझ रहे हो कि तुम्हारे हाथों में है। था तो, पर तुम समझते नहीं थे कि तुम्हारे हाथों में, इंप्लीमेंट नहीं करते हो तुम। ये सत्संग में आओगे सुनोगे तो पता चलेगा मेरे ही हाथ में है, मैं करूंगा। आप मेरे गुरुदेव ने मुझे मेरी आंखें खोल दी, अब मैं इसे कर लूंगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, चाबियां यहां मिलेंगी। आज हम भी सोचे हैं इतनी देर बोलेंगे कि देखते हैं कितने लोग टिकते हैं। अब धीरे धीरे झार रहे हैं लोग ऐसे ऐसे करके, कोई ऐसे कोई, और जाने वाले 5-7 बार प्रणाम करते हैं कि जो पुण्य छोड़ के जा रहे हैं वो पूरा ले जाए, क्योंकि हम तो जा रहे हैं बचा खुचा उसको भी। भैया सारा पुण्य इसी वाणी में है। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो रावण, रावण कौन है? जो दुख देता है, जो रोता है और रुलाता है, जो अहंकार है, जो कामना है अनियंत्रित, जो अनियंत्रित क्रोध है, वही रावण है। तो लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो सत्संग की हो तो रावण अर्थात दुख कभी नहीं आ सकता। हमारे जीवन में कोई तत्व नहीं आएंगे जो हमें दुख देने वाले हों। ये है सत्संग का संबंध मनुष्य के साथ। तो इसलिए कोई सपना नहीं आया मुझे। मैंने अनंत 7 बार भारत का भ्रमण, कई जगह आना जाना, लाखों करोड़ों लोगों से मिलना, और जब देखा कि जो गति मोरा सो गति तोरा, सबकी एक ही गति देख रहा हूं, तो अच्छा रूट पर काम नहीं हो रहा, जड़ पर काम नहीं हो रहा। और फिर यही किसी ऋषि किसी वैज्ञानिक गिरते हुए सेव को देख करके न्यूटन के लॉ आ जाते हैं। यह चिंतन सदा हृदय में कि कैसे रूट पर काम किया जाए, तो समझ आता एक ही उपाय है। एक तो उन माता पिता को जागृत करना, टीच करना, कि जिनके हाथों में अभी एकदम गीली मिट्टी है और जैसा सेब चाहे दे दें, उनको जागृत करना। देख देख मैया फिर नहीं बनेगा, फिर रोएगी मैया, मैं सही बता दे रहा हूं, थोड़ा जहां बड़ा हुआ कंठ फूटा तो तेरा टेंटुआ फूटा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक जब तक बच्चे गीली मिट्टी हैं, एकदम कच्चे हरे बांस की तरह धनुष बनाया जा सकता है भी, तो उस समय माता पिता को टीच करना, उस समय माता पिता को चेतना देना, ये काम कौन कर सकता है? कहा कोई निस्वार्थी या लोक स्वार्थी सच्चा सदगुरु अपने गुरुकुलम में बच्चों को ऐसा और उन माँ बाप को सिखा सकता है। यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ो, गुरुकुलम में बच्चे पढ़े, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए भी क्लास है। ऐसा नहीं कि हम जब पढ़ते थे ना थे, अब क्या बाप हो गए क्या पढ़ाई के? हर व्यक्ति जीवन के अंतिम श्वास तक स्टूडेंट है, छात्र है, अंतिम श्वास तक सीखना है, और सीखने वाले को ही तो स्टूडेंट बोलते हैं। तो छात्र तो हम अभी भी हैं। तो भूतपूर्व कथा लोग सुनाने लगते थे, हमारे जमाने में हम लोग जब पढ़ते थे ना, अब क्या बढ़ गए क्या? अब नहीं कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़िए अभी भी।
तो यूनिवर्सिटीज उन माता पिता के लिए है और उन दादा, एक फैकल्टी ये भी है उसमें जहां दादा दादी भी आए पढ़ने के लिए, उनके लिए भी नहीं तो घर में व्यवस्था कराई जाएगी पढ़ने के लिए। कि अब दादा दादी बन गए तो बच्चे पोते पोती कैसा जीवन हो जिससे आपको कभी निराशा ना हो, किसी से अपेक्षा ना हो, उपेक्षा के आप शिकार ना हो। वो कौन से संस्कार अभी आपको भीतर में जागृत करने हैं जो मिस कर गए आप, उस संस्कार की पढ़ाई वो 80 साल के दादा दादी के लिए भी होगी और 2.5 साल के बच्चे के लिए भी उस गुरुकुलम में पढ़ाई होगा। ये है सनातन यूनिवर्सिटी, ये है सनातन विश्वविद्यालय, ये है सनातन विद्या पद्धति और ये है सनातन गुरुकुलम का कॉन्सेप्ट। ये कोई रातों रात कोई शिक्षा का व्यवसायीकरण करने के लिए नहीं आए। भारत देश में अगर सबसे बड़ा कोई व्यवसाय है तो वो तो पहले चिकित्सा का है। नशा को छोड़ दो, नशा तो टॉप पे है, चिकित्सा का है और दूसरा शिक्षा का ही है। अन्न उतना महंगा नहीं है जितना शिक्षा महंगा है, अनाज उतना महंगा नहीं है जगह जगह। और इतना आज मुझे इतनी हंसी आई, मैं आज एक कहीं गया था देखने के लिए कि तो पुराना एक स्कूल कहीं बना हुआ था, विद्यालय वो बेच रहे थे, तुम मेन रोड पे भी उनका मुंह था। हमने पूछा भैया ये मेन रोड पे निकाल के तू खेत में कहा है कोई कैसे जाएगा, तो धीरे से बताया महाराज जी नकल करवाने के लिए कि फ्लाइंग स्क्वाड आएगा तो मैं माथा पकड़ के बैठ गया। या तुम्हारे उत्तर प्रदेश की बात है, वो 2014 का पहले का बना हुआ स्कूल है, वो आज सुनेगा तो बोलेगा वो हमारा तो लग रहा खोल दिए। अब नाम थोड़ी लिए हम, कहाँ गए किसी को थोड़ी पता है, हम तुम जान रहे हैं चिंता मत करो। पूरा स्कूल रोड पे पर खेत में रास्ता है, आदमी पहुंच ही नहीं सकता। हम तो पहले पूछे कि भैया क्या इसमें जैसे ताज होटल में एनएसजी कमांडो उतरे थे हेलीकॉप्टर से, बच्चे ऐसे ही उतरते हैं क्या यहाँ पर, कैसे आते होंगे। तब बताया उन्होंने महाराज जी इधर कमरा इसलिए बनवा दिए हैं 20 फुट का दीवार, क्यों बोला विद्यालय में यही गारंटी हम लोगों ने दिया था कि जो आएगा पास होने की, फ्लाइंग स्क्वाड भी आएगा तो आते आते तक मामला साफ कर देंगे, उसको आधे घंटे लग जाए घुसने में, तब तक सारा चीट उठ ले करके खत्म कर देंगे। हम की वाह रे कहां से आते हैं ऐसे तेजस्वी लोग, इतने तेजस्वी लोग कहां से आते हैं। शिक्षा में ऐसा घोटाला, ऐसे खालमेल, चिंतन देखो, विषय देखो, जहां के बच्चों को सुसंस्कृत करना है, सनातन की विद्या देनी है, आधुनिक विज्ञान पढ़ाना है, वहां विद्या की ऐसी दुर्गति है, ऐसी दुर्दशा है। और आज हम पूछ रहे थे कि भाई कितने में गारंटी लेते हैं लोग, तो हमारे एक महाराज जी साथ में रहते हैं बता रहे थे, उनका नाम नहीं लेंगे नहीं पुलिस उनको उठा ले जाएगी, तो बता रहे थे कि 60,000 में दे, 25,000 या 30,000 में पक्का वो गारंटी है आपका कि काम हो जाएगा, आ जाएगी आपके पास पूरा पास होने का डिग्री वगैरह। ओह पहले क्यों तुम नहीं मिले, हम कुछ और डिग्रियां जोड़ लेते अपने में। ये शिक्षा है और इस शिक्षा के बल पर हम चाहते हैं कि मेरा भारत, इसलिए फिर नाना पाटेकर याद पड़ता है 100 में से 90 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान और पीछे लिख रहा है मेरा भारत महान। ये कितनी बड़ी चोट है, फिल्में भी चोट करती हैं कभी कभी जमीर पर, चंद पैसों और चंद कागज के टुकड़ों ने अपने ही कलेजे के टुकड़ों को मरने पर, डिप्रेशन में रहने पर, अनपढ़ अशिक्षित रहने पर, कुशिक्षित होने पर मजबूर कर दिया है। टुकड़े कागज के टुकड़ों ने जिगर के टुकड़ों को खरीद लिया। जिगर के टुकड़े होते हैं बच्चे और कागज के टुकड़ों पर हमने बेच दिया उनको, पर कहते हैं जिगर के टुकड़े हैं मेरे। क्यों? क्योंकि आपने भी स्कूल खोला होगा तो आप भी वही करते होगे, आपके भी दुकान होंगे तो आप भी मिलावट वही करते होगे।
जिस प्रोफेशन में आप होगे आप भी बाज नहीं आते होगे दो नंबरी करने से। और हर आदमी जब सारे दो नंबरी एक साथ मिल गए, दो नंबर की कोई दवाई दे रहा है और दो नंबर की दवाई बेच करके सामान ला रहा है घर में खाने के लिए, उसको पता नहीं कि वो जो जहां सामान ला रहा है बच्चों को अपने खाने के लिए वो भी दो नंबर का है। चार पांच चोरों की कथा मैंने पढ़ी थी डकैतों की, कि वो बहुत सारा सामान चोरी करके जंगल में गए, पहले पुराने जमाने के, ये आज के नहीं है, वो धूम मचा दे वाला वो सब नहीं था उनके पास, पैदल ही चोरी होता था, पैदल ही आना था। तो चोरी डकैती करके जंगल में आए, फिर कह रहे नदी में चलो स्नान करो, पांच छह थे सामान था। अब पांचों के मन में ये विचार चल रहा था कि एक कम हो जाए तो हिस्सा थोड़ा बढ़ जाए, साथ ही चोरी करके आए थे, ऐसे 20-20% मिलेगा पांच में, एक कम हो जाए तो 25 हो जाएगा, बड़ा चैन मिला होगा आप लोगों को। इसमें भी हमको साजिश लगता है, कोई ना कोई कटवाया तो नहीं है कहीं से। जलाइए सब लोग मोबाइल एक बार देखें, सारे लोग जलाएं, इतना ही कम से कम जलाइए तो, बड़ा कम मोबाइल है। आठ अरब लोग हैं दुनिया में, आठ अरब लोग, और मोबाइल की संख्या कितनी पता आपको? 18 अरब। डू यू नो, ये फैक्ट जानते हैं आप? 18 अरब मोबाइल है दुनिया में अभी, और जनसंख्या मनुष्य की 8 अरब है। पर यहां देख के बड़ा अच्छा लगा कि इतने लोगों में कम से कम 5-10 मोबाइल जला, बाकी लोगों ने देखा होगा कि लाल पर है यही जला दें तो फिर इम्पोर्टेंट फोन कैसे आएगा, बैटरी भी खर्च नहीं करते। अच्छा, यहां हम बैटरी खर्च कर दें। तो मत बेचिए। मैं आज भारतवर्ष के लोगों को यह आह्वान करता हूं, जिगर के टुकड़े सिर्फ मुंह से कहते हो या मानते भी हो, न उनके संस्कारों की तरफ ध्यान दे रहे हो, न उन्हें वीर बना रहे हो, न उनका संरक्षण कैसे होगा ये उन्हें बता रहे हो, न उनका संवर्धन कैसे होगा ये उन्हें बता रहे हो। बचपन से ही बैग के बोझ जस्ट लाइक अ डंकी एस उनके ऊपर बोझ लाद कर केवल अंधाधुन वो कुशिक्षा दिलवा रहे हो, जो केवल चंद चांदी के सिक्के शायद कमा सकते हैं, वो भी कठिन है। आइए, बीए का आजकल कोई वैल्यू है? पहले गांव में एक आदमी बीए पास हो जाए और ग्रेजुएट उठा के सरकार ले जाती थी, अब जब 25,000 में ग्रेजुएशन हो जा रहा है, उसके बाद भी चिल्ला रहे हैं कि इतना बेरोजगारी कैसे है। आपका ग्रेजुएशन है कितने का? 25,000 में क्या बच्चे की जान लोगे? खरीद के लाए हो, क्या करोगे? अनंत डिग्रियां बट रही हैं। ये कुठाराघात है भारत के ऊपर, भारत के नस्लों को बर्बाद करने के लिए, और आपके बच्चों को भारत कहते हैं तो लोगों को बड़ा दूर लगता है, भारत बर्बाद हो हमारा क्या है? अरे तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, भारत तुमसे बना है। दूरदर्शन पर एक पहले आती थी ना, वो एक ही तो ऐड आता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी, फिर क्या हुआ दीदी? ऐसे करके कितना अच्छा पहला कार्टून था, अरे वो आ जाता तो हम लोग पागल हो जाते थे, वाह 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 वाह। फिर क्या हुआ? सबको मार दिया, खत्म कर। ऐसे करके दीदी सर हिलाती है, चोटी ऐसे से हिलता है। हिम्मत से घर काम लो तो बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। ये जो आजकल के बच्चे हैं, बोले क्या गा रहा है? बेटा हमारे जमाने में हम भी कार्टून देखते थे, ये हम लोगों का एकमात्र कार्टून था, तुम लोगों के पास तो इतने कार्टून है कि तुम खुद कार्टून बन गए हो।
हमारे हम लोगों के पास एक ही कार्टून था दूरदर्शन पर, मात्र यही, उसको देख करके हम आनंदित होते थे। पर उसमें भी शिक्षा थी, उसमें भी कुछ एकता का बल था, एकता पढ़ाया जाता था। तो हमने हमारी संतानों को बर्बाद किया है। भारत आबाद हो बर्बाद हो किसको लेना है, पर अपने बच्चों से तो लेना है ना, अपनी बेटी से तो लेना है ना, अपने पोते पोती से तो लेना है ना। इसलिए सनातन विश्वविद्यालय की आवश्यकता आन पड़ी है। मैं लगातार वाराणसी में, काशी में, इस काशी से ही पूरी दुनिया को जगाने का प्रयत्न कर रहा हूं, भारत को जगाने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि ये हर बातें दूर तक जाती हैं। आज ऐसा नहीं कि काशी की बात काशी में ही रह जाएगी, अकथा की बात अकथा में रह जाएगी, ये अभी कनाडा में भी चल रही है, कनाडा में भी देख रहे हैं इसको लोग। तो ये बातें दूर तक जा रहे हैं, उनको ये चेतना और प्रबोध दे रहे हैं कि हमें अवेयर होना है, अब जगना है। और इसलिए इसे किसी एक साधु का प्रकल्प मत समझो कि ये तो बाबा जी का काम है, अपना बनावे यूनिवर्सिटी। ये हमारा काम नहीं है, मैंने पहले दिन कह दिया, हमारा काम जगाना है। जागो, तुम्हारा काम बनाना है। हम जगा सकते हैं, बनाओगे तुम खुद। जब घर बना सकते हो, दुकान बना सकते हो, मकान बना सकते हो, और जिनकी गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पास रहेगी, देश की जो हालत है, तो ये तुम बनाओगे। तो तुम्हारे इन्हीं चीजों की सुरक्षा करने के लिए, जहां से तुम्हें वो वीरता, धीरता, ज्ञान मिलेगा, वो कौन बनाएगा? बनाओगे तुम तो बचाने का उपाय कौन करेगा? अरे बड़े बड़े ये सीमेंट मत लगाइए भैया, वो सीमेंट लगाइए, बहुत दिन चलता है भैया, ये डॉक्टर प्लस लगाइए भैया, ये एशियन पेंट लगाइए भैया, ये लकड़ी लगाइए भैया, ये लोहा लगाइए भैया, इतने साल चलेगा। अरे क्या खाक चलेगा, सब लूट लिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सब। ये लोहे और सीमेंट नहीं बचाएंगे घरों को। याद रखो, इस दुनिया में जैसे कहते हैं ना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, इस दुनिया में ऐसी कोई सीमेंट और सरिया नहीं बनी है जो तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी हिफाजत कर सके। वो है तो केवल सनातन की संस्कृति है और तुम्हारा धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षिता, वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। उसी धर्म के दीवार से, उसी धर्म के छत से, उसी धर्म के दरवाजे से तुम्हारी रक्षा होगी। इसलिए तुम्हें जागना है। और यह कार्य कोई गुरु के दो चार शिष्यों का नहीं है। गुरु जी के इस कार्य में वो तो बहुत लगे हैं, वो भैया दिन रात लगे हैं गुरु जी आपके कार्य में। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जिगर के टुकड़े नहीं क्या इस देश में? तुम क्यों नहीं लगते? ये सुरक्षा चक्र हम सबों के लिए बनाई जा रही है, ये सुरक्षा चक्र हमारी पीढ़ियों, हमारे बच्चों के लिए बनाई जा रही है। इसलिए इसमें तो हम सबको लगना होगा। और दुनिया में हर आदमी प्राथमिकता के आधार पर काम करता है। 10,000 रुपए अगर वेतन है, सैलरी है किसी के, तो तय करता है कि इस महीने में हमें गैस की चूल्हे खरीदने हैं, कि इस महीने में हमें उसकी दवाई करानी है, कि इस महीने में कपड़े खरीदने हैं, कि इस महीने में जूते लेने हैं। वो प्रायोरिटी तय करता है। जूते बेटा वही उसको सिलवा ले, अभी अभी नहीं होगा, पर दवाई दादाजी का लाना जरूरी है बेटा। तो हम प्रायोरिटी तय करते हैं, प्राथमिकताएं तय करते हैं, पहले क्या करना है। मैं आश्चर्यचकित हूं भारतवासियों पर कि भारतवासी अपनी प्रायोरिटी तय नहीं कर पा रहे हैं। हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारे परिवार, समाज, हमारे बच्चे, ये सब कहीं ना कहीं इन डेंजर हैं। पूरी संस्कृति डेंजर में, और तुम सपने देख रहे हो। नहीं महाराज जी, हैं सनातन को आज तक तो कोई समाप्त कर पाया है? सनातन उसको कहते हैं जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। कमाल है, भारत ऐसा मोटा तगड़ा था पहले। भारत का नक्शा देखे हो, अखंड भारत का,
यह ऐसा लगता है जैसे देसी गैया का दूध पीकर के कोई बढ़िया जवान आदमी खड़ा हो। अब भारत देखो, दुबला होता जा रहा है, पतला, और दुबला पतला तो हो ही गया, हाइट तो कम हो गए, मोटाई तो खत्म हो गई, ऐसे हो गए शिखंडी के जैसे, पर अंतर में भी लीवर खराब, कहीं किडनी खराब, कहीं हार्ट खराब, कहीं माथा में ही रोग लगा हुआ है कश्मीर में, कहीं केरला में रोग लग जाता है, कितने रोग हैं। जरा चिंतन करो भारतवासियों, जरा सोचो विचार करो, दिवा स्वप्न देखकर मत जियो। यह समय है, तुम चाहे एक्टर हो कि एक्ट्रेस हो, टीचर हो, प्रीचर हो, कंडक्टर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, लीडर हो, कुछ भी हो तो मनुष्य ही, भारतवासी हो, भारत में ही रहते हो, सुरक्षित नहीं रहोगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने संवर्धन के प्रति, अपने राष्ट्र की संस्कृति बचेगी तो हमारे आने वाले, हमारे लोगों ने हमें कम से कम इतना बचने का तो मौका दे दिया। जरा सोचो, जब जब हमले हुए थे, अगर सबके सब समर्पण कर गए होते तो आज हम कहां से बैठे हो, कहां सत्संग चल रहा होता। तो हमें गर्व है उन पूर्वजों पर जिन्होंने 800 की गुलामी के बाद भी, 800 साल की गुलामी के बाद भी ऐसे अत्याचार, इतनी नृशंसताएं। जरा सोचो गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में, दोनों बच्चों को जब चुनवा दिया गया, छोटे छोटे बच्चे, किसके लिए, क्या कमी थी गुरु गोविंद सिंह जी को, खाने की, रोटियों की। अपने राष्ट्र, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने सुंदर मासूम बच्चों को चुन जाने दिया, चुनवा दो। याद करो, दिल्ली में बना हुआ है गुरु तेग बहादुर का शीशगंज गुरुद्वारा, नाम ही है शीशगंज। और मैं आज एक बात कह के भारतवासियों को जगाना चाहता हूं, मेरा ऐसा मानना है, छोटे बड़े की बात नहीं है, देश काल पात्र के अनुसार, शीश के दानी खाटू श्याम जी को कहते हैं। महाभारत हुआ था कभी, महाभारत का युद्ध देखा था उन्होंने। पर आज अगर जरूरत है तो गुरुद्वारा शीश गंज से सबक लेने की जरूरत है, आज वहां जाकर के सीखने की जरूरत है कि संस्कृति की रक्षा के लिए कैसे शीश काट दिए गए, गरम तवे पर चढ़ा दिया गया। वो दिन फिर भारत में ना आए, हमारे किसी बच्चे बच्चियों को ये दुर्दांत अवस्था न झेलनी पड़े जो अभी वर्तमान बांग्लादेश में हम लोगों ने देखा। हम सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, इसके लिए इस सनातन विश्वविद्यालय के काम को लोगों ने, वही स्कूल कॉलेज खोलना जैसे लोग स्कूल खोलते हैं कॉलेज खोलते हैं, टिड्डियों की तरह स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, जैसे टिड्डी का हमला होता है, यहाँ सड़क पे, वहाँ सड़क पे, वहाँ पे, वहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ स्कूल, वहाँ कॉलेज, वहाँ डिग्री कॉलेज, वहाँ ये कॉलेज, लोग उसी को समझ रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि ये जो ज्यादा संख्या में व्यवसायिक दृष्टिकोण से रुपए कमाने के लिए खोले गए थे, वो तुम्हारे संस्कारों को नाश करने के लिए खोले गए थे, पर ये सनातन विश्वविद्यालय तुम्हारे भीतर संस्कार भरने के लिए बनाया जा रहा है। आकाश और पाताल का अंतर है, बाकी विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय में जरूरत इसकी है, प्रायोरिटी ये है, आज प्राथमिकता ये है, आज दूसरी प्राथमिकता नहीं है। आज तुम्हारे पास अगर वही गाड़ी है 2016 और 17 की, कोई साधारण मारुति की टाटा की, चढ़ो उस पर,
जरूरत नहीं किसी नई गाड़ी की, आज जरूरत इस विश्वविद्यालय की है, आज जरूरत गुरुकुलम की है, जहां हमारे बच्चे अगर सुसंस्कृत हो गए, हमारे बच्चे अगर गुरुकुलम के उस सनातन शिक्षा पद्धति को और आधुनिक विज्ञान को पढ़ लिए, तो आज भले ही टाटा के इस गाड़ी में या मारुति की गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब वो बड़े होंगे संस्कारों के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत अमेरिका से करोड़ों गुना आगे होगा। तब हमारे बच्चे अगर संस्कारित होंगे तब हम उसकी इकोनॉमी को भी चैलेंज कर रहे होंगे, तब हम किसी की शिक्षा को भी चैलेंज कर रहे होंगे। परंतु आज जो दुर्भिक्ष स्थिति है, इसमें तो हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, इसमें तो हमारा पता नहीं किसके साथ चल रहा है। बहुत सारी चीजों, देखो भारत में क्या हालत है, तो बचाना है मिलकर बच्चों को। बड़ी प्यारी सी छोटी सी बात कह के आपसे विदा लेता हूं। नमन है, वंदन है, प्रणाम है। मैं प्रारंभ तो कुछ और से किया था कि ग्लानी मत करना, काम क्रोध मत लो, इसको मैं पूरा कर दूंगा कल परसों फिर इन बातों को आगे। पर क्या करूं, नहीं कहते कि जैसे एक मैया है, छोटा बच्चा पालने में है या घर में है, तो खाना भी बनाती है, तो ध्यान कुकर के सीटी में भी अगर बच्चे की खटपट हुई थोड़ी सी, तो मैया कुकर की सीटी से भी तेज उसके कान बच्चे पर लगे होते हैं, वहीं से वो पहुंच जाए, क्या हुआ रे, क्या हुआ रे, क्या। साधारण बाप को नहीं सुनाई पड़ेगा, बाप तो उधर लगाए हुए है अपना टेलीविजन में, हा 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 कर रहा है, उसको ज्यादा नहीं सुना। पर मैया इतनी कौन सी, क्या हुआ मेरे बालक को, कुछ भी करती रहे, पर ध्यान कहां होता, बालक पर होता है। मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों, मैं भी दुनिया में तुम्हें कुछ भी करता हुआ दिखाई पड़ूं, हंसता हुआ, हंसाता हुआ, चढ़ता हुआ, गाड़ियों पे चलता हुआ, प्रवचन करता हुआ, कहीं उद्घाटन करता हुआ, पर याद रखना मेरी भी उस मैया की तरह हालत है। सदा ध्यान मेरा रहता है मेरे भारत के बच्चों की संस्कार कैसे बचेंगे, संस्कृति कैसे बचेगी, और कैसे उनके भीतर में वीरत्व आएगा। उस मैया की तरह सदा ध्यान वहीं लगे रहते हैं, और हम सबका भी ध्यान ऐसा ही होना चाहिए। काम कुछ भी करें, काम करते रहो, पर हरि का नाम जपते रहो। जैसे काम करते करते जपते हैं, कुछ भी करो, व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिनेमा में काम कर रहे हो, सब करो, पर ध्यान चिंतन भारत की सुरक्षा पर हो, अपने मां भारती के वैभव को बचाने पर हो, अपने मां भारती के बच्चों की सुरक्षा, सभ्यता, संस्कृति निरंतर ऊंची हो। हमारे बच्चे भिखारी नहीं इस संसार में मालिक की तरह घूम सकें, इसके लिए दृष्टि सदा। मैं आज कहता हूं काशीवासियों, आपके इस नगरी में हूं, आप सबको खड़ा होना है, उत्तर प्रदेश को खड़ा होना है, पूरे भारत को खड़ा होना है, और पूरी दुनिया में जहां जहां सनातन संस्कृति के लोग हैं उनको खड़ा होना है, और साथ पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को खड़ा होना है, क्योंकि यह सनातन संस्कृति केवल कोई छोटी कौम को बचाने की प्रयास नहीं है, बल्कि 8 अरब मानवों को बचाने का एक महान प्रक्रिया चल रहा है। इसलिए एक एक व्यक्ति को इसमें खड़ा होना चाहिए, पर दायित्व पहले हमारा है, पहले दायित्व हमारा है। सरकार कुछ मदद करेगी विवाह शादी में, कोई ला करके कुछ दे देगा, बोला कि ठीक है बिजली फ्री है, लेकिन बेटी हमारी है तो दायित्व हमारा है। उसी तरीके से सारे दुनिया के लोग सहयोग करेंगे, साथ खड़े होंगे, लेकिन जिस काशी में खुल रहा है, जिस उत्तर प्रदेश में खुल रहा है, उस काशी उत्तर प्रदेश और जिस भारत में खुल रहा है, उन भारतीय और सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले लोगों का प्रथम कर्तव्य है कि उनका ध्यान इस सनातन विश्वविद्यालय के ऊपर हो और निरंतर इसका काम होता रहे, इसके लिए उन्हें प्रयत्न करने ही होंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूं काशी के बच्चों ने एक ऐसा सुंदर योजना निकाला कि कैसे 1 करोड़ लोगों को कुछ ही दिनों के भीतर फाउंडर मेंबर के रूप में, भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के लोग, 1 करोड़ लोगों को संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ने का। तुम में से आज भी जो लोग उदासीन बैठे हो इस विषय में, मैं यहां बैठे लोगों को भी कहता हूं और आपको भी कहता हूं, ये रील तुम्हारे पास पहुंचेगी,
लाइव भी देख रहे हो, रील भी पहुंचेगी। तुमको भी कहता हूं, जहां हो, भारत के जिस कोने में बैठे हो, परंतु इस 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के लिए जो योजना बनाई गई है, उसमें तुम भी एक हाथ उठा करके कहो कि मैं भी उसमें खड़ा हूं, और यह देखते देखते कार्य कुछ ही दिनों में संपन्न हो जाएगा। यह काम हमें करना है, हम न करेंगे तो कौन करेगा? आज तो इतना आसान है कि सिर्फ एक सदस्य बनना है, जागना है। जागोगे तो तब भी, पर फिर रात रात जगोगे, बहु बेटियां गांव के सीमाओं पर खड़ी होंगी कि कोई आक्रमणकारी ना आ जाए। बांग्लादेश में मैंने देखा, हमारे 1 लाख से ज्यादा गुरु भाई रहते, 28 दिनों तक बेटियां सोई नहीं, दिन रात अपनी सुरक्षा, अपने गांव, अपने परिवार की सुरक्षा में पूरा गांव जगता रहा। आज तुम डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, एसी के थोड़े से वेंट कम हो जा रहे हैं, 16 पर ला करके रजाई ओढ़कर सो रहे हो गर्मी में, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता अपने ही सर पर आए हुए उस विभीषिका का खतरा। आज तो सिर्फ इतने में काम बन जा रहा है, आज कोई साधु खड़ा है, हजारों बच्चे खड़े हैं, हजारों लोग कार्यकर्ता खड़े हैं, आज तो सिर्फ इसी से काम बन जाएगा कि हम हाथ उठा करके और संकल्प केवल कर लें कि हाँ, हम भी भारत की रक्षा, भारतीयों की रक्षा, सनातन की रक्षा और शिक्षा की रक्षा के लिए इस सनातन विश्वविद्यालय के साथ खड़े हैं। केवल इतना खड़े हो जाने से रक्षा हो जाएगा, तुम्हें 28 दिन कभी फिर जगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 दिन जगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम जगोगे 40 दिन, पर आज नहीं खड़े हो रहे हो। यहीं पर कोई कह रहा, हम तो बस प्रवचन सुनने आते हैं, महाराज जी का प्रवचन अच्छा लगता है, बस मैं वो सुन लेता हूं। क्या करोगे सुनकर? तुम्हारे बेटे बेटे भी ऐसा ही कहेंगे, हम तो बस मम्मी का बात सुनते हैं, और काम उम कुछ नहीं, बस ठीक ठाक बोलती है सुन लेते हैं। छाती जल जाएगी तुम्हारी उसी दिन। कोई बेटा कहे, हम तो बाप हैं इसलिए सुन लेते हैं, बाबूजी का बात सुनते हैं, कह अरे बेकार बात, उनका बात मानते उनते नहीं है। तो तुम भी कह रहे हो, हम तो सुन लेते हैं पर करते नहीं हैं। क्यों भैया? रक्षा तुम्हारा होगा, तुम सुन रहे हो पर कर नहीं रहे हो। और तुम्हें भी कह रहा हूं, जो लोग सुन रहे हो या जो आगे सुनने वाले हो, कब खड़े होगे, कब जगोगे? जागो, मेरे हृदय में निष्ठा है, दृढ़ता है, मैं कट्टर नहीं हूं। आपको याद होगा कि आज के 7-8 साल पहले से, जब यही चेहरा भारत के विभिन्न चैनलों पर आया करता था, टीवियों पर, डिबेट्स पर, तो आज तक किसी भी, चाहे वो मत का आदमी हो, दल का आदमी हो, उसने विरोध नहीं किया आज तक कभी। ये सारे लोग जानते, सब कहते थे सदगुरु बोल रहे हैं तो तथ्य के साथ बोल रहे हैं, बाकी मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दो आपस में लड़ जाते थे, पर कभी मेरी बात को, इस्लामिक स्कॉलर्स कभी कोई किसी बात को नहीं काटे, बाहर निकल के पूछते थे, गुरुजी ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो मैं तो निर्विवाद रहा, निर्विवाद तरीके से बोलता रहा, कट्टरता मेरे भीतर नहीं है, और आज भी मैं कट्टरता से नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारत की रक्षा, भारतीयों की रक्षा सनातन संस्कृति के जगने से ही होगा, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि यहां बाहर से कोई नहीं आया, भारत में रहने वाले सारे के सारे लोग सनातनी ही हैं, उनके डीएनए एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं। पता करो अपने पूर्वजों के बारे में, कुछ पद्धतियां आपने बदल ली हैं पूजाओं की, पर दादा दादी थोड़ी बदल जाएंगे, तुम्हारे परदादा थोड़ी बदल जाएंगे, धंधे बदल सकते हैं। इसने खोल लिया वो गोचारा बेचने का दुकान, उसने जाके उसका दुकान खोल लिया, उसने कोई इसका दुकान खोल लिया, उससे बाप दादा थोड़ी बदल जाएंगे, परदादा थोड़ी बदल जाएंगे हमारे। तो डीएनए भी एक, ये भी एक, इसलिए कट्टरता से नहीं, मैं पूरे भारत वंशियों को बचाने की बात कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है पर हम खड़े होंगे तब बचेगा, पहले जो हम खड़े हैं तब बचेगा, यहां जितने लोग हैं वो खड़े हों, एक एक लोग। क्या ही योजना,
कैसे 1 करोड़ सदस्य बनने हैं, कितने दिन में, हमको कोई नहीं बताया। अभी पता चल जाए कि यहीं पर एक कमेटी बनी है जो 1-1 करोड़ रुपया बांटेगी लोगों को। हमारे सत्संग के बाद हम भले ऊपर चले जाएं यहां से सत्संग में अपने कमरे में, कोई नहीं जाएगा। कौन है कमेटी? अभी गुरुजी बोले, भैया भैया कौन कमेटी है? नहीं, अभी 2 घंटे बाद आएंगे। तो कोई बात नहीं ना भैया, 1 गिलास पानी पिला दिए, यहीं बैठते हैं, रात भर बैठ जाएंगे। 1 करोड़ कमेटी बांटेगी। और अभी क्या कह रहे हैं, हमसे कोई कुछ बोला ही नहीं, हम तो बहुत देर तक खड़े थे, हमको कोई पूछा ही नहीं। कौन पूछेगा? जीजा जी हो कि फूफा आए हो? तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, लुटेंगे पिटेंगे कटेंगे वो नहीं, कौन पूछेगा? किसकी आस देख रहे हो? तुम पूछो कि अभी अभी मैंने गुरुजी से सुना, कौन लोग हैं, मैं भी उन 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों में बनूंगा। गुरुजी ने 1 करोड़ कहा है और हम गुरुजी के अगर माई के लाल बच्चे हैं और सच्चे शिष्य हैं और सुनने वाले हैं, गुरुजी ने 1 करोड़ कहा है, हम 10 करोड़ संस्थापक सदस्य बनेंगे। ये भाव, 7 कदम अगर एक आदमी चल गया, सप्तऋषि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें पे अगर पहुंचा तो एक अकेला व्यक्ति, अकेला, कोई यदि तुर डाक सुने ना ऐसी, तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। तो एक अकेला आदमी 1 करोड़ से ऊपर संस्थापक सदस्य खुद बना सकता है कुछ ही दिन के अंदर में, एक एक व्यक्ति। 7 कदम चलने, 2-4 कदम तो चलो, 2-2 कदम तो चलो, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, 2-2 तो चलो, 3-3 तो चलो। और तुम भी जो सुन रहे हो, गुरु भाई गुरु बहन बन के पूरे देश में बैठे हुए हो, आचार्य गार्गी आचार्या, और बड़ी एक्टिव गुरु भाई और बहन, तुम भी चलो 2-3 कदम, तुम भी चलो जया 3 कदम, सारे लोग 2-3 कदम, 2-3 कदम। और 1-5 लाल तो ऐसे हमारे पैदे होने ही चाहिए, होंगे ही, कि जिनको 5 और 2-3 तो ऐसे पैदा होने ही चाहिए, नहीं तो 1 तो होना ही चाहिए जो 7 तक पहुंचे। ऐसा तो कोई ना कोई हनुमान जी की तरह भैया का लाल, अंजनी का लाल मिलेगा ही। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग बहुत जल्द विश्राम देता हूं। हमने कहा था रात भर मैं बोलूंगा, ये जल्द नहीं हुआ, हम दया कर रहे हैं आपके ऊपर, छोड़ रहे हैं, एक कृपा है हमारी, नहीं अभी हम रगड़ देंगे और 1 घंटा तो। लेकिन मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। आइए भारत माता को तो बाद में, अपने ही जिगर के टुकड़ों को बचाने का हम सब संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है, हो जिसने जानी है महिमा गुरु की,
उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरा सदगुरु भी कितना महान है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। ए मधुरे गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये, अब तो होता ये, अब तो होता ये, होता ये, अब तो होता ये, हर पल आभास है मेरा। मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा। दोनों हाथ ऊपर उठा के, जिसने जानी है महिमा गुरु, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। उसका डूबा कभी ना जहाज है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, श्री राधे राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा, उसका डूबा, उसका डूबा, डूबा 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 डूबा, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, और जिसकी रोशनी से रोशनी से ओ रोशनी से रोशन जहान है। मेरा गुरुवर भी कितना महान है, और जिसने जानी है महिमा श्री राधे जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु, उसका यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान।
सतगुरु मिलया तो भी सस्ता जा रखना संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है उसका डूबा कभी ना जहाज है उसका डूबा कभी ना जहाज है गुरु वचनों को रखना संभाल के डोर खींचे दूजा तड़ चलया है एक डोर खींचे दूजा तड़ चला है कच्च धागे से बधा चला है एक डोर खींचे एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए कच्चे धागे से बदा चलाए ऐसे जैसे कोई हो ऐसे जैसे कोई दीवाना ऐसे जैसे कोई दीवाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रस महो निद्राम विवत्तम सेवा कथा रस महो निद्राम विवत्तम निद्राम विवत्तम गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी काढ़े खोट और अंतर हाथ सहार रे बाहर मारे चोट बाहर राधे राधे
राधा 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 ओ राधा 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 सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए दिल की कली खिल जाए गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता तकदीर बदल जाए तकदीर बदल जाए Jada da 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 तमन्ना है गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है बस एक तमन्ना है तुम सामने रहना मेरे तुम सामने रहना मेरे तुम सामने रहना मेरे तुम सामने रहना मेरे मेरा दम ही निकल जाए मेरा दम ही निकल निकल जाए काहे तेरी आँखियों में काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी
कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 हो कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, के तू पीले बिस का प्याला, हंस के तू पीले पीले, हंस के तू पीले बिस का प्याला, तू ही कड़ तोरे संग गोपाला, तू ही कड़ तोरे संग गोपाला, हे मीरा यार दर्द विराग जड़ा, ये यार दर्द विराग सजना, मेरे हो सुहवास बुलाए, तारे तेनू माही समझ ना आए, ऐसा ना मिलिया कोई मेनु मेरा बिछड़ा यार मिला दे, बिछड़ा हंस के तू पी ले विस का प्याला, तू ही कड़ तोरे संग गोपाला, तू ही कड़ तोरे संग गोपाला, तेरे तन की ना होगी हानि, 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 कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, अमीरा प्रेम दीवानी, अमीरा कृष्ण दीवानी, हो कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो